प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, घर में कहाँ कौन सी चीज़ें रखें और कौन सी चीज़ें न रखें, इसके लिए वास्तु टिप्स हैं। तो हम जानेंगे उन छोटी छोटी बातों को जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व रखती हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो चलिए, पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और कम से कम 15-16 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा वास्तु टिप्स को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो मित्रों, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। पहला वास्तु टिप ये है घर के लिए कि तिजोरी के ऊपर कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तिजोरी को एकदम ऊपरी वाले हिस्से में पैसा नहीं रखना चाहिए। घर में स्टोर रूम और बाथरूम के पास कभी भी जो पूजा कक्ष है वो नहीं होना चाहिए। घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष हो, वहाँ सुबह शाम कुछ समय के लिए शंख बजाना चाहिए। यदि आप चाहें तो पूजा की घंटे भी बजा सकते हैं, इससे निकलने वाली धमनी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में तुलसी होना बहुत शुभ रहता है, रोज सुबह शाम तुलसी के पास दीपक लगाना चाहिए। घर में अगर बंद या खराब घड़ी भी है तो उसे नहीं रखना चाहिए, इसके अशुभ प्रभाव से भाग्य का साथ नहीं मिलता। घर के पूजन स्थल पर सुबह शाम घी का दीपक लगाना चाहिए, इससे भाग्य संबंधी लाभ मिलते हैं। इस दीपक का धुआं वातावरण भी हानिकारक तरंगों को, सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करता है। पलंग के नीचे फालतू सामान, जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इससे ऊर्जा का मार्ग अवरुद्ध होता है। तिजोरी में मुकदमे या वाद विवाद से संबंधित कागजात बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। घर के पूजन स्थल के ऊपर कोई सामान नहीं रखना चाहिए। पूजन कक्ष उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, इन दोनों में बेहद ही शुभ माना जाता है। परिवार के मृत सदस्यों के चित्र पूजन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। पूर्वजों के चित्र या पश्चिम दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखे जा सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। परिवार के मर्द सदस्यों के चित्र पूजन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। पूर्वजों को चित्र पश्चिम दक्षिण में या पश्चिम दिशा में रखे जा सकते हैं। घर में टूटा हुआ दर्पण या मिरर, जिसे आप बोलते हो, वो नहीं रखना चाहिए। दो दर्पण एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं लगाना चाहिए। अगर दो दर्पण हो तो वो भी आमने सामने नहीं लगाना चाहिए। यदि तिजोरी का दरवाज़ा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर खुलता है, तिजोरी जो होती है, अगर उसका दरवाज़ा उत्तर और पूर्व दिशा की ओर खुलता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शयन कक्ष में रात के समय जूठे बर्तन बर्तन नहीं रखने चाहिए। जो लोग बेडरूम में जूठे बर्तन रखते हैं, उन्हें धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में भीम के नीचे बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भीम के नीचे सोना भी नहीं चाहिए, ना तो खाना खाना चाहिए और ना सोना चाहिए। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है। कुछ वृक्ष जैसे पौधे मान लो, या दूध वाले पौधे होते हैं, जैसे आंकड़े का पौधा है, बरगद है, इस तरह का वृक्ष आंगन में नहीं होना चाहिए। बाहर की ओर अगर आप साइड में रखते हो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप आंगन में रखते हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, वह हमारा जो स्वास्थ्य है वह बिगड़ता है। तुलसी, इनकी जगह अगर आप तुलसी लगाएं या अशोक का वृक्ष लगाएं या आंवले का वृक्ष लगाएं तो वह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जूठे बर्तन होते हैं वो भी बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि रसोई घर जो होता है, रसोई घर में भी अगर आप जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ पर खाने का पानी आप जहाँ से लेते हैं वहाँ पर अगर आप एक दीपक लगा दें खाना बनाते वक्त शाम को, तो उससे पितृ दोष जो होता है वो समाप्त होता है। पितृ दोष समाप्त होता है, पितर शांत रहते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक ऐसे ही नई वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का जो दिन है वो शुभ हो।